बच्चों, मैंने आपको कल के क्लास में 15.2 के 76 सवाल कराए। 15.2 का 7वां सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेमी है। एक बात सबसे पहले ये रखनी है आपको कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र क्या है? 1/4πr² मतलब चौथा हिस्सा। पर आर चाहिए, क्या चाहिए? आर। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 22 सेमी। वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेमी। तो पहले आपको क्या करना है, परिधि से त्रिज्या निकालनी है। परिधि से क्या निकालनी है? त्रिज्या। हल हल है वृत्त की, वृत्त की परिधि 22 सेमी। वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेमी। वृत्त की त्रिज्या बिना होता है परिधि से, किसे? परिधि से। तो वृत्त की त्रिज्या परिधि से, तो ये सूत्र है परिधि बटे 2π, परिधि बटे 2π, परिधि बटे 2π। तो परिधि कितने गए? 22/2 गुणा 22 × 7, 5 × 5, 22/7 रखोगे 7 ऊपर 22 से क्या कर दिया? 22 बोलो कितनी आ गई? 7/2 सेमी आ गया। ये ध्यान कर लियो, चाहे छिप्पल निकलवा, चाहे व्यास निकलवा, चाहे परिधि निकलवा, अपन को त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। ये जरूर देख लिया करो कि ये क्या दे रखा है चतुर्थांश के लिए अपन को। तो आ जाओ, वृत्त वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब सूत्र व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है? चतुर्थांश व्रत का चतुर्थांश ये होता है, देखो यहां ये व्रत है, ये दो व्यास है, चतुर्थांश देखो यहां चौथा हिस्सा है इसका 1/4πr² चतुर्थांश ध्यान करेगा। तो 1/4πr² 1/4π का मान बोलो 22/7, आर का मान बोलो 11, 7/2 × 7/2, 22 मत दर्ज हो, 22 दर्ज हो, काटो 7 से 7, 2 से काटो 11 बार, बोलो कितना आ गया? 11 × 7 = 77 कितना आ गया? 8। ये आ गया आपका सेमी² अब भाग दो इसमें 8 का भाग दो, 8 × 9 = 72, 5 = 0 बोलो, 8 × 6 = 48, कै बच गए? 2, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40 बोलो कितना आ गया? 9.625 सेमी स्क्वायर। और इसको एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेमी। कितने सेमी है? 22 सेमी। परिधि दे दे, व्यास दे दे, पहले त्रिज्या निकालो। क्या निकालो? त्रिज्या। उसके बाद में क्षेत्रफल निकालना है। और एक घड़ी के घंटे की सुई 5.6 सेमी लंबी है। 7वां है 8वां, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी, घड़ी के
हाँ सेमी लंबी है। अब देखो ये सवाल थोड़ा साइकिल है, इसको 70 मिनट है, कितने हैं 70 मिनट, 70 मिनट में ये सात नहीं है 70 है, सही कर लेना इसको, 70 मिनट में इस सुई द्वारा, 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सुई द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल, एक घड़ी की घंटे की सुई 5 सेमी लंबे 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का, ध्यान कर लेना भाई। हाँ सबसे पहले ध्यान कर लेना, ये जो सुई है वो किसका काम करती है बताओ, त्रिज्या का, किसका करती है त्रिज्या, ध्यान में बैठो। तो घड़ी की वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितने है 5 सेमी, वृत्त कितने गए कितने गए 5 सेमी। अब आ जाओ 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल, आया थीटा, क्या निकालो चूंकि घड़ी की घंटे की सुई एक मिनट में कौन बनाती है बराबर 1/2 डिग्री का, घड़ी की घंटे की सुई 70 मिनट में कौन बनाई है बताओ, सुनो घंटे की सुई 1 मिनट में बनाती है 0.5 डिग्री का, और मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का, तो घड़ी की घंटे की सुई 70 मिनट में कौन बनाएगी बराबर 1/2 × 70 बता कितनी डिग्री का, क्या 35 डिग्री का, ये 35 बार घटके भाई 35 बार 35 डिग्री का त्रिज्या खंड क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 360 डिग्री सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड के क्षेत्र पर जवाब है सूत्र का, पाई का मान 22/7, आर का मान बोलो कितने का, आर का मान 5 × 5 360 × 35 क्षेत्रफल करो है।
संपद 35, संपद 35 पांच से मिलन में काटो, पांच से काट दो मैंने पंसठ 35 पांच दूरी 10 दो तो कट रहे क्या दो तो 36 बार दो तो कई बार कट गए 11 बार 11 गुणा 5 गुणा 5 बटे 36 करो भाई 25 5 7 2 सेमी स्क्वायर 25 और 25 275 सेमी स्क्वायर आ जाए 275 में 36 का भाग दो भाई 36 36 दोनों 72 24 चार के 12 14 44 5 56 30 5 के 15 3 18 36 गुणा 6 करो 36 36 18 3 3 216 36 गुणा 7 करो सचिन 42 सचिन 42 7 21 4 25 36 गुणा 8 करो 8 सिक्के 48 8 के 24 28 सही है डरो भाई 248 7 बार गया 7 बार 252 बोलो भाई 3.20 बढ़ा लो बोलो 230 6 आएगा 216 केवल के 4 बज गया क्या 6 4 10 1 2 3 चाहिए 0 36 हाँ 140 3 आया 108 2 3 सेवन और 7 7 5 3 8 बज रहा है वह बज गया लगभग 8 बार ऐसा आ रहा है 7 पॉइंट लोग कितने का रहा है 8वें का 15.2 का 8वां 7.64 सही है गिर गया लगभग सही है भाई हमें 7.638 7.64 सेमी स्क्वायर देखिए इधर दशमलव के ठीक दाईं ओर दशमलव के ठीक दाईं ओर तीसरा अंक 5 और 5 से बड़ा है तीसरा अंक तो हट जाता है दूसरा अंक एक बढ़ जाता है ध्यान में लेना तो ये 64 हो गया कितना हो गया 64 ये हो गया त्रिज्य खंड क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया है ये पार आपको लिखना ही पड़ेगा भाई ऐसे करके ध्यान कर लीजिए दिल होगा ये बाहर पूरा
नवा देखिए, दी गई आकृति में एबीसीडी एक आयत है, भुजा ए बराबर दस से भी ए बराबर दस से भी बी सी बराबर सात से भी आयत के प्रत्येक शीर्ष पर तीन पॉइंट पांच से भी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, तीन पॉइंट पांच से भी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। पर अब ध्यान कर लीजिए, सुनिए भाई, आयत है, क्या चीज है ये? आयत, आयत का प्रत्येक कोण ना बैठेगी होता है, ध्यान करने के आयत का प्रत्येक कोण बैठेगी होता है, ना बैठेगी का, तो देखिए आयत का प्रत्येक कोण ना बैठेगी का होता है, तो इसमें आप ध्यान कर लेना, जब 90 डिग्री का कोण हो तो त्रिज्याखंड और चतुर्थांश एक ही बात है, त्रिज्याखंड और चतुर्थांश। देखो चित्र बना रहा हूं मैं आपको, ये आयत है, अब इसमें आप ये आपका है, यह पूरा बढ़ा दिया, पूरा बढ़ा दिया यार, पूरा बढ़ा दिया ऐसे, अब बताओ क्या ये मिला, देखो ऐसे इनले भाई चतुर्थांश है, तो त्रिज्या खंड का सूत्र लगाओ चाहे चतुर्थांश का लगाओ, दोनों एक बात है। तो सबसे पहले देखिए हल, क्या लिखोगे? हल, आयत, आयत की
की लंबाई, आयत की लंबाई है 10 सेमी, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। वैसे एक ध्यान कर ले, अगर तुम इसको अलग अलग निकालो तो अब आपको नंबर अच्छा मिलेगा, एक साथ निकाल छोटा हो जाए गलत नहीं होना चाहिए। चौड़ाई कितने का 7 सेमी, तो देखो आयत का क्षेत्रफल बोलो कितने का, लंबाई गुणा चौड़ाई, सूत्र तो याद है आपके, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो लंबाई कितने का 10 गुणा 7 बराबर कितने आएगी बताओ, 70 सेमी स्क्वायर, नहीं तो ये हो गया भाई 70 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थांश लगा के त्रिज्या खंड लगा कुछ लगा दे दो बस बताओ आपको मैं। देखो चतुर्थांश का क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर चतुर्थांश का नहीं। अब इसमें थीटा 90 डिग्री का है, तो देखो पाई आर स्क्वायर थीटा 360 है, ऐसे करो पाई आर स्क्वायर थीटा का मान कितने का 90/360, तो 9 × 4 = 36 दे वो याद रख लिया। सूत्र एक ही है, 90 डिग्री हो तो चतुर्थांश, और चतुर्थांश और क्या नाम है इसका त्रिज्या खंड एक ही बात है, तो कोई सा सूत्र लगा देना दोनों से हो जाएगा आपका। तो मैं इसमें आया, मैं चतुर्थांश की त्रिज्या 3.5 सेमी बराबर बराबर है 35/7/2 सेमी, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 πr² 1/4 π का मान 22/7 गुणा आर का मान, बोलो आर का मान 7/2 गुणा 7/2 करो यार, करो इसको काट दो, 7 से क्या कट गया 7 और 2 से कितने बार कट गया ये 11 बार, कितने बार कट गया बताओ 11 बार। अब सुनो एक बात और है, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 का गुणा और करोगे ऐसे, तो यहाँ 4 का गुणा और करोगे आप, 4 से क्या कट गया 4, बोलो कहीं आओ 11/7 77/2 बोलो कितना आ गया 77 में 2 का भाग दो, 2 का भाग दो 2 × 6 2 × 8 16 38.5 सेमी स्क्वायर आ गया, 38 × 76 1 × 77 आ जाओ। एक मिनट सुनो, मैं 4 चतुर्थांश सॉरी 4 त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इधर ये और लगा लो ये, तो 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 4 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा 360। एक बात ध्यान जरूर कर लेना, हाँ भाई थीटा का मान, मैं थीटा का मान लिख देता हूँ ये 90 डिग्री का, हाँ ये 90 डिग्री कैसा है देखो, आयत ये क्या चीज है, आयत छुपा हुआ है इसमें बेटा, छुपा हुआ ध्यान कर लीजिए, ये हेरने में नहीं मिलेगा आपको, तो 90 डिग्री का है, कितने का है 90 का, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यहां लिख दो आप, लिखो तो आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ध्यान कर लीजिए भाई ये तरीका। दूसरी विधि निकाल रहा हूं आपको, आ जाओ भाई बोलो भाई 4 × 22/7 × 7/2 × 7/2 केवल बात छोटा करो, 4 × πr² × 90/360 करो भाई 9 × 4 = 36 वो कोई सूत्र आया नहीं आया देखो, तो ये हो गया आपका 4πr² / 4 तो वो भी आ गया, तो ये सूत्र बना लेना चाहिए तो आप उसको भी हम उधर ऐसे निकाल लीजिए और 4 ऐसे निकाल दोनों है आ जाओ भाई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोलो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल
ध्यान करिए भाई, बड़ी आकृति में से छोटी आयत का क्षेत्रफल माइनस चार चतुर्थांश हो गया। बोलो आयत कितने गए, 70 दे गए, 38.5 घटा भाई। ऐसा करो इसको 70.00 कर लो, ध्यान कर लो 38.5 घटा है तो 70 याद लिखा, 70.00 में से 38.5 घटाओ, घटा में आंसर उधर ले आओ 10, 10 में 5 ले तो 5 क्या कह रहे हैं, 9, 9 में से 8 ले तो 1, और यहां कह रहे हैं 6 में से, 6 में से 31.5 को तभी जाकर फिर कर देते हैं, 5 और 5 10 आठ 31.5 सेमी स्क्वायर या जा रहा है, ये होता है। तो ये आपकी प्रश्नावली होगी 15.2। आप 15.3 निकाल लेता हूँ, आपको देखो रेट में टैप कर दो, बोर्ड में आ चुका है, आयत है, आयत में 1, 2, 3, 4 चतुर्थांश में त्रिज्या खंडों को हिसाब कर लेना, ठीक है। आधार में ऐसी छाएंगे भाग बना, मुझे एक कर दो मत करो, ठीक है। हाँ भाई, अब देखिए आप एक में इसका उदाहरण भी करा देता हूं, संघ संघ देखो 8वां उदाहरण देखो, 15.2 का थोड़ा सा कठिन है उदाहरण, 8वां त्रिज्या, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर, त्रिज्या 12 सेमी वाले, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कौन बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, पाई का मान देखो इसमें दे रखा है बेटा, ध्यान से लियो 3.14, अंडर रूट 3 का मान 1.73 दिखे, तो प्रयोग करना है ना, लेकिन सवाल गलत हो जाएगा आपका। आल वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितने गए, 12 सेमी, बोलो थीटा कितने गए, 120 डिग्री। आप सुनिए पोजीशन ले लिया तो आप 12 सेमी, हाँ भाई वृत्त की त्रिज्या है 12 सेमी, थीटा 120 डिग्री है। अब देखिए आप 120 डिग्री का अंतर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए वृत्त खंड का
क्षेत्रफल सूत्र, आप इस उदाहरण में दे रहे तो सूत्र लगाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ध्यान करना भाई, बराबर लगाओ। अब देखिए पाई इसको मत देना आप कुछ भी नहीं सर बैठे यहाँ पे, आपको तरीके करते जाओ बस, करो भाई पाई का मान भरो, पाई का मान भरो कितने का 3.14, आर का मान 12 × 12, थीटा का मान 120/360 माइनस 1/2 × 12 × 12 √3/2। एक बात सुनना, या को मान लो कि साइन साइन 120 डिग्री का मान है √3/2। ये देखो भाई बड़ा ये ध्यान कर लेना, देख लेना इसको बोले कम आता है काटो, देखो 12 × 3 = 36, 3 × 12 3.14 × कितने कर दो 48, ये नहीं हो गया। (2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12 बोलो भाई 36√3, यहां तक तो ही हो गया 36√3, करो गुणा भाई 3.14 × 48 करो, बात 48 हो गया ना, करो भाई 8 × 8 = 8, 8 × 4 = 32, दो कहां से लेंगे 3 × 8 = 8 और 3 × 11 के वहां से लेंगे 1 8 = 24 और 1 = 25, करो भाई 14 × 14 = 56, 4 × 3 = 12 आ गया 150.72 तक आ गया मैं, इन और कर लो छत्तीस कर लो, करो भाई 6 × 3 = 18 कहां से जाएंगे 1 × 6 = 42 और 1 × 3 कहां से जाएंगे 4, 6 × 6 = 10, 6 × 3 = 36, 18 × 8 का हासिल लाने 1 × 6 = 42 और 1 × 3 हासिल लाने 4, 6 × 4 = 10, 3 × 3 = 9 और 17 × 3 = 51, 8 × 9 = 12, 2 × 6 = 2, कितने आ गए भाई 62.28, भाई घटाओ 150.72 में से 62.28 घटाओ भाई, घटाओ 12 में से 8 रह गए बच गए 4, क्या रह गए 6 में 4, बोलो हाँ सुधार नहीं रह गए 8 और यहां से ले ली 14 × 6 = 8, बोलो कितना गया 88.6 स्क्वायर। अब तुम इसमें करके देखो तुम्हारा समझ में नहीं बैठेगा, ये इसमें देख लो किताब पर देखो इसको समझ में बैठेगा आपके, इसको बगल में रूट से उतार दे रहे हैं, किताब में बगल में उतार दे रहे हैं इसको, इसमें इसको आ सकता है ये, हाँ भाई देखो 7वां उदाहरण, कौन सा उदाहरण है 7वां, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 30 डिग्री कोण अंतरित करती है, इसे बने लघु वृत्त खंड का दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सूत्र लगा दोगे लघु वृत्त खंड क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यहां पर निकाल के
दो पॉइंट तैतीस में से वृत्त के क्षेत्रफल में दो पॉइंट तैतीस घटा दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये पांचवा आपका हो ही जाएगा, नब्बे डिग्री का है ये, तो हो गया आपके ये। अब एक आपका ये उदाहरण नंबर, एक घड़ी की घंटे की सुई छह सौ नब्बे नब्बे मिनट सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या, घड़ी की घंटे की सुई, तो ध्यान कर लीजिए घंटे की सुई है, नब्बे मिनट में नब्बे मिनट में पैंतालीस डिग्री का बनेगा, आधा हो जाएगा एक बटे दो, ध्यान कर लीजिए। तो यह देख लो आप, एक उदाहरण याद करा देता हूं मैं आपको, उदाहरण नंबर है चौथा दिखाइए, मोस्ट है चौथा, बढ़ा दूंगा इसको। उदाहरण उदाहरण चार, पंद्रह पॉइंट दो का चौथा, दी गई अवधि एक चित्र बना लो पहले, ए बी सी दी गई आकृति विषय एक संभाव त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी संभाव त्रिभुज है जिसकी भुजा बीस सेमी है, कितनी है भाई बीस सेमी, शीर्ष से दस सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं, दस दस सेमी यहां से तक की, दस दस सेमी चाहिए बात का क्षेत्र याद करना भाई, आया संभाव त्रिभुज की भुजा, करो एज वेल एज पॉइंट हटाओ, बीस पंजी सौ गुणा कर दे दो, सौ से सौ एक सौ तिहत्तर सेमी स्क्वायर आ गया, एक सौ तिहत्तर सेमी स्क्वायर किया गया। अब आ जाओ आप, देखिए समबाहु समबाहु त्रिभुज का
प्रत्येक कोण थीटा बराबर 60 डिग्री का होता है। समबाहु, ध्यान रखिए बेटा, समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा, इसकी सही भुजा समान हो, समबाहु, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है भाई। और आर बराबर कितने बेटा, आर बराबर 10 सेमी, कितने का 10 सेमी, आर बराबर 10 सेमी है। तो तीन त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, बोलो है त्रिज्य खंड तीन का यह पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ले भाई तीन, बोलो पाई का मान दे रहा 3/4 गुणा आर का मान 10 × 10 थीटा का मान 60/360। ध्यान रखें एक चीज का, इसे जानना पाई का मान है, धन्यवाद बेटा, पाई का मान किताब में रखा है, पाई का मान आपको पेपर में दे देता है तो वही रखना है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा, ध्यान देना। और बेटा सौ में सौराना थोड़ा दुर्लभ पड़ जाएगा, वो आ जाओ करो भाई, ए पहले यह काट दो, बोलो कई बार कट गया ये 6 बार, कई बार कट गया 6 बार। अब तीन से इसको काट दो, 3 × 6, मैं ऐसे कर रहा हूं 314 × 100 × 100, बोलो कैसे कर रहा हूं, पॉइंट हटा दिया बटे कितने लगा दो यहाँ 100, और नीचे क्या चीज और 2, पॉइंट हटाया भैया, पॉइंट के बाद में क्या काम का है, दाईं तरफ 2 अंक 2 0, आ जाओ 2 0 से 2 0 इसको काट दो, 314/2 का भाग है 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, गड़बड़ है भैया, स्टैंडर्ड चक्कर कहीं लपड़ा रुक जाए, ध्यान में भाग देना, 2 × 1 = 1, 2 × 5 = 10, कहवा दिए 1 और 2 × 7 = 57 आ गए। अब आ जाओ आप 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, हाँ भाई 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, इसको मिटा देता हूँ मैं, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बोलो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, बोलो भाई त्रिभुज का कितने का है, कहाँ है त्रिभुज का, 173, 173 माइनस 157, अब घटाओ 173 में से 157 घटाओ, घटाओ भाई कितने हो गया, 13 में से 7 के कितने बच गए, 6, कितने रह गए यहाँ 6, 6 में से क्या गए 5, 1 वापिस जोड़ के देख लो, 7 और 6 13 हंसी लगी, 5 6 7 16, तो कितना बताओ 16 सेमी स्क्वायर, 16 सेमी स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा भाई, ये आपको उदाहरण हो गए, ये आपकी हो गई 15.2 कंप्लीट, और ये उदाहरण तो आप निकाल लिया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आपकी हो गई कंप्लीट। देखिए 15.1 बच्चे ने बोला 15.2 का चौथे का तीसरा है, चौथे का तीसरा सवाल है, 15.2 के चौथे का तीसरा, देखो इसमें त्रिज्या 21 सेमी है और थीटा 60 डिग्री का है, तो आर तो है 21 सेमी और थीटा है 60 डिग्री का। अब ये बोल रहा है एक तो है चाप की लंबाई, ये सूत्र है पाई थीटा बटे 180, और ये है संगत जीव वृत्त खंड, संगत जीव त्रिज्या खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, अब है संगत जीव बल वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, लघु वृत्त खंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हाँ भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ध्यान करेगा भाई। अब हाँ भाई अब इसमें क्या है, आपको पाई का मान धरो के देंगे, पाई का मान नहीं करेगा 22/7 ही है, 22/7 गुना आर का मान बोलो, आर का मान 21 × 21 गुणा थीटा का मान 60/360 माइनस 1/2 गुणा 21 × 21 × अब सुनो भाई साइन कितने गए, साइन 60 का मान,
साइन साठ का मान है, ये साइन साठ लिखोगे ध्यान में ले हो। मैंने आपको एक बात लिखी थी ध्यान दो, साइन साठ डिग्री का मान अंडर रूट तीन बटे दो होता है, ध्यान में ले साइन साठ का अंडर रूट तीन बटे दो। तो इनका हिसाब करते जाओ फटाफट, काटो ए कई बार कटो छह बार और ये कई बार कटे बताओ, सात तिया इक्कीस तीन बार, और ये तीन से कितनी बार कट गया बताओ भाई, दो बार, और दो से कितनी बार कट गया ग्यारह बार, तो ग्यारह गुणा कितना आ गया इक्कीस, ग्यारह गुणा इक्कीस तो इधर बच गया। यहां इक्कीस गुणा इक्कीस कितने होता है बताओ, इक्कीस सवा चार सत्ताईस होता, ध्यान कर लेना, और बटे दो। अब साइन साठ बमान में लिख रखा अल्टा रूट तीन बटे दो, बोलो भाई 231 माइनस बोलो चार चार एक बटे, अब सुनो या लिख लो अंडर रूट, मैंने आपको लिखा है ध्यान है क्या आते हैं, अंडर रूट दो अंडर रूट तीन और अंडर रूट पांच के मान याद रखने हैं, अगर घर में फोन नंबर लेने तो एक अच्छी रेशियो होती है 1.414 1.732 और 2.23 6067 नो ये मान याद रखना, रटने पड़ेंगे आपको 1.41 42 13 1.73 20 50 60 2.23 6067 नो नो अंक याद हमारे ये। तो अब अंडर रूट तीन का मान आपको तीन अंक इधर दो 1.732 और बटे कितना हो गया बताओ भाई चार हो गए दो दूनी चार। अब 231 माइनस इसमें इसमें इसका क्या दे दो भाग, चार से भाग देना हो भाई देखो, तो भाग ध्यान कर लो ऐसे होता है ए ऐसे कर सकते हो ऐसे बटे बोलो क्या 1000 हो गया है 4000 हो गया ध्यान देना, अब 4000 का भाग देना इसमें तो 4000 का भाग 0.4 × 16 4 × 12 433 बार जाएगा, ध्यान कर लेना ये भाग देना इसमें, तो इसको मैंने काट दिया तो ये हो गया 0.433 ध्यान कर लेना। अब 441 गुणा 0.433 करना है, अब 231.00330 लगाने पड़ेंगे आपको, अभी का गुणा करो पहले तो 441 × 433 4 × 16 4 × 12 सही है करो भाई 3 × 4 = 12 4 × 12 = 13 सही है क्या, फिर दोबारा उतार रही हो इसको एक भी उतार बोलो भाई 3 × 2 = 3 अब 4 से करो करो भाई 4 × 1 = 4 4 × 16 और 4 × 16 = 17 बोलो भाई 3 × 5 4 × 7 = 9 6 × 3 = 10 19 1 बताओ क्या तुम छोड़ के पॉइंट लगाओगे, खाए 3 अंक छोड़ के ले भाई यहां लगाओ कितने गए 190.953 भाई साहब से एक और बात बता दो, अगर आप पे भाग ना लगे तो इसका गुणा करके 4 का भाग देना उत्तर आपका आ जाएगा ठीक है आ जाओ भाई। अब इसमें से घटाओ 231.00 में से कितने घटा 190 कितना है 953 है 953 घटा भाई। अब वहां से उधार लो आगे से बोलो भाई यहां 10 हो गया यहां 9 यहां 9 यहां 0 10 10 में से कह गए 3 गए कह गए 7 बोलो कह गए 9 9 में से 5 गए तो 4 यहां 0 आ जाएगी यहां 0 आ गया आपकी क्यों हासिल उधार ली। अब है 13 में से 9 गए तो 4 और यहां 40.0 4 7 = 7 सेमी स्क्वायर ये उत्तर आ गया भैया आपका ये सब।